हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। जो तरीका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मोटर वाइंडिंग करने का, इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी तरीके से मोटर को वाइंड कर सकते हैं। ये मोटर शॉर्ट हो चुकी है, जिसके कारण इस मोटर को दोबारा से रिवाइंड करना पड़ेगा। तो मोटर को रिवाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसकी जितनी भी तार है, इस सारी तार को हम बाहर निकाल लेंगे। वो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, मुझे ये तरीका सबसे अच्छा लगता है और सबसे आसान भी लगता है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो टूल बनाना चाहें वो बना सकते हैं। बाकी मेरी नज़रों में सबसे बेहतरीन टूल यही है, जिससे मैं इसको तार को कट कर रहा हूँ। आप भी देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ ये तार कटिंग हो रही है और ये सारी वायर चुटकियों मिनटों में बाहर आ जाएगी। ये हमारी तार ओपनली सारी कट चुकी है। अब हमें एक सुंबी टाइप एक छोटा सा औजार लेना पड़ेगा और हथौड़ी से जब इसको हम चोट मारेंगे तो ये नीचे की तरफ निकल जाएंगी। अब ये नीचे की तरफ जब निकल चुकी हैं, इसको पलट के रखेंगे मोटर को और पेचकस से इनकी कॉयलों को थोड़ा थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और ये वन बाई वन सारी धीरे धीरे बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी। जो डाटा इसके अंदर निकला है वो डाटा 23 तारों से बना है। 23 तारों को आपस में मिला के 6 टन दिए गए हैं, जिससे एक कॉइल कंप्लीट होती है। और जिस तार का गेज 24 नंबर निकला है, एक बार मैं आपको काउंट करके भी बताता हूँ और काउंटिंग करने के बाद मैं आपको गेज नंबर भी चेक कराऊँगा। ये टोटली हो गए 23 तार। 23 तारों को 6 बार घुमाने पर एक कॉइल बनाई गई है। दूसरा, इसका गेज चेक करते हैं। इसका गेज नंबर जो निकला है 24 नंबर निकला है, ये आप देख सकते हो, ये 24 नंबर गेज आया है इसमें। इसके बाद इसको सारी ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहला काम होता है इसके अंदर अच्छी तरीके से पेपर लगाना। पेपर को हम इस तरीके से लगाएंगे, ना ही तो वो बड़ा रहेगा ना ही वो छोटा रहेगा। उसका मतलब यह है वो कॉइल के ना तो अंदर आए और ना ही ज़्यादा बाहर निकले। बाहर निकलेगा तो हमारी कॉइल बड़ी बनेगी, और छोटा पेपर लगाएंगे हम इसके अंदर तो हमारी कॉइल बहुत फंस जाएगी और उससे शॉर्ट होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। तो इसलिए हमें नॉर्मल पेपर का साइज़ काटना है, बिल्कुल हल्का सा बाहर की तरफ निकलेगा और इतना ही हिस्सा उसका पिछली साइड में निकलेगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं पेपर को मैं फ़ोल्ड कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपको पेपर को फ़ोल्ड करना है। किसी भी चीज़ से उसको दोनों कन्नी को प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद होल में इस तरीके से लगाना है कि जिस जगह को हम कॉइल डालेंगे वो रास्ता हमारा खुला रहना चाहिए। ये देख सकते हो आप, ये प्रॉपर पेपर लग चुका है, ना बाहर है ना ज़्यादा बाहर है ना ज़्यादा अंदर है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सारे पेपर लगाने हैं, जैसा कि पेपर हमने सारे इसमें लगा दिए हैं। अब इसकी कॉइल बनानी शुरू करेंगे। तो कॉइल बनाने से पहले जो मेन कट है, इसका मेन कट से हमें 3 स्लॉट से शुरू करनी है कॉइल बनानी, ताकि जो हमारा लास्ट सिरा होगा वो मेन कट पे, इस वाले कट पे यहाँ पे आके पूरा हो जाएगा। उससे हमारे लीड के टांके बहुत अच्छी तरीके से इसमें लग जाएंगे। कॉइल बनाते समय कॉइल का स्टार्टिंग का हिस्सा हमें 2 इंच बाहर रखना पड़ेगा और मोटर की साइड फोल्ड कर देंगे, उससे थोड़ी हमें खींचने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमारी पहला टर्न डल चुका है। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि कितने टर्न मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। इसमें मेन चीज़ आपको ये देखनी है और सेकेंड चीज़ आपको ये देखनी है, एक कॉइल कम्प्लीट होने के बाद 6 राउंड लेने के बाद कितनी स्लॉट में छोड़ता हूँ और कौन सी स्लॉट में फिर मैं दोबारा कॉइलिंग बनानी शुरू करूँगा। तो ये आप देख सकते हो, कॉइल डालने के बाद इसको आपको इस तरीके से खींचना है ताकि आपकी कॉइल लूज ना रहे और ना बड़ी रहे। ये देखिए, जान लगा के खींचने पर 1 साल हो गई है और कॉइल भी हमारी, एक कॉइल टर्न कंप्लीट हो गया है। ये लकड़ी का टुकड़ा इसलिए लगाना पड़ रहा है
ताकि कॉइल को थोड़ा सा हम एडजस्टिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हो आप, मैंने दो स्लॉट छोड़ के तीसरे और चौथे स्लॉट के अंदर तार घुमानी है। इसी तरीके से पूरा डाटा एक कॉइल का कंप्लीट हो जाएगा। इसको थोड़ा मैं फास्ट कर देता हूँ, आपको सिर्फ एक कॉइल दिखानी है, उसी से आपको आइडिया लगाना है बाकी 5 टन कैसे आपको देने हैं। यहाँ पे हमारी दूसरी कॉइल कंप्लीट हो चुकी है, अब तीसरी कॉइल की तरफ चलते हैं। तीसरी कॉइल को भी इसी तरीके से बनाएंगे कि हमें दो स्लॉट छोड़ने के बाद तीसरी और चौथी स्लॉट के अंदर 6 टन हमें घुमाने हैं। ये पहला टन हमारा डल चुका है, अब ये दूसरा टन हम घुमा रहे हैं। ये तीसरी कॉइल भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से दो स्लॉट छोड़ के तीसरे और चौथे स्लॉट के अंदर हमें लास्ट वाली कॉइल को भी 6 बार घुमाना है, उसके बाद ये एक कॉइल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है मोटर के अंदर 3 तारे होती हैं, पीली, नीली, हरी, तो इसके अंदर एक पीली वाली वायर कंप्लीट हो जाएगी। ये एक कॉइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हो इस कॉइल के अंदर कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये देखिए आप, ये दूसरी कॉइल को पहली कॉइल के बराबर से स्टार्ट करेंगे। इसको भी 2 इंच बाहर छोड़ेंगे और बाहर की तरफ ही फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हमारी दूसरी कॉइल बननी स्टार्ट होती है। ये एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। ये दूसरी तार का एक स्लॉट कंप्लीट हो चुका है। अगली कॉइल जो हम स्टार्ट करेंगे वो भी तीसरी कॉइल से स्टार्ट करेंगे। तीसरी और चौथी स्लॉट के अंदर 6 बार घुमाएंगे। ये कॉइल यहाँ पे आ गया हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब इसकी लास्ट कॉइल बनानी है। लास्ट कॉइल में भी हमें 3 स्लॉट छोड़ने पड़ेंगे, तीसरी स्लॉट और चौथी स्लॉट में। ये देखिए, तीसरी और चौथी स्लॉट के अंदर घुमानी पड़ेगी लास्ट कॉइल। इस तार की लास्ट कॉइल होगी ये। इसके बाद हमारी 2 तारों की कॉइल कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो दूसरी तार की कॉइल भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
और ये तार इसके अंदर थोड़ी फालतू रह गई है, तो इस तार को हम कट कर देंगे। यहाँ पे आके हमारी दो कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। अब तीसरी कॉइल इसके अंदर लगाएंगे। तीसरी कॉइल लगाने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसके अंदर फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल फिनिशिंग ऐसी आई है जैसे कंपनी ने की है। कंपनी से वेंडिंग होती है, एज इट इज़ ऐसी ही इसके अंदर वेंडिंग हो चुकी है। अब हम इसकी तीसरी कॉइल बनाना शुरू करेंगे। जहाँ पे हमने दूसरी कॉइल स्टार्ट की थी उसी के बराबर में जो जगह बच रही थी वहीं से हम इसको बनानी शुरू करेंगे। ये कॉइल भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये स्लॉट जो आपको दिखाई दे रही है जो खाली पड़ी है, इसके अंदर भी हमें 6 बार इसको टर्न करना है। सो गाइज़, तीसरी तार की दूसरी कॉइल भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम तीसरी कॉइल की तरफ चलेंगे। ये हमारी तीसरी कॉइल है, इसको भी हम 6 राउंड देंगे। सो गाइज, तीसरी तार की तीसरी कॉइल भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं हम चौथे राउंड की तरफ, जहाँ पे हमारी मोटर वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइज, तीसरी तार की चौथी कॉइल भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से हमने पूरी वाइंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आगे हमारी मोटर कंप्लीट वाइंडिंग हो जाती है। सो गाइज, आप देख सकते हो कि हमारी वाइंडिंग कितनी क्लीन और शानदार तरीके से हो चुकी है। और एक बार हम इसको फ्रंट से भी आपको दिखाएंगे। फ्रंट से देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि ओरिजिनल मोटर वाइंड हुई हो। अब नंबर आता है इसके अंदर बीच में पेपर लगाने का। पेपर कैसे लगाया जाता है, एक पेपर मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप
सारे पेपर ऑटोमेटिक लगाएंगे। इस पेपर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इससे वाइंडिंग शॉर्ट होने से बची रहती है। सो गाइस, कनेक्शन करने से पहले इन तारों पे स्लिप चढ़ा लेंगे। ये स्लिप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब गैस सिलेंडर की मदद से इन तारों को हम गर्म करेंगे। गर्म करने से इन तारों पे जो निकल चढ़ी हुई है उनको जला देंगे और जलाने के बाद रेगमाल से साफ़ करेंगे। अब इसको रेगमाल से साफ करेंगे। सारी वायर हमारी साफ हो चुकी है। अब इसमें सीन रह जाता है, एक बार इसको वाइंडिंग को सीरीज से चेक करेंगे, इसकी कोई सी कॉल मोटर से टच तो नहीं है। इसके लिए हमें पता चलेगा। ये देख सकते हो आप, कोई टचिंग नहीं है, बल्ब नहीं जल रहा है। अगर कोई सी भी वायर बॉडी में टच हो गई तो तुरंत बल्ब जल जाएगा, जैसे कि तारों पे जल रहा है उसी तरीके से बॉडी पे भी जलेगा। तो हमने इसके अंदर ये चेक कर लिया है कि हमारी जितनी भी कॉइल हमने इसके अंदर बना के लगाई है वो सारी की सारी परफेक्ट तरीके से लग चुकी है, कोई भी बॉडी के अंदर टच नहीं हुई है। अब तीनों तारों को एक करने के बाद अलग अलग भी हमने चेक करके देख लिए है, कनेक्शन भी बिल्कुल ओके आ रहे हैं इसके। जो स्टार्टिंग की तीन तारें थी उनको आपस में हम जॉइंट कर देंगे और जो आगे की तरफ की तीन तारे हैं उससे हम लीड से बाहर कनेक्शन बाहर निकाल लेंगे। जॉइंट हमारे हो चुके हैं, जॉइंटों को हम गैस की मदद से पक्के कर लेंगे। जॉइंट हमारे पक्के हो चुके हैं, इसके बाद इनके ऊपर ब्लैक वाली स्लिप चढ़ाएंगे और स्लिप चढ़ाने के बाद इसके ऊपर चारों ओर धागा घुमा देंगे।
ये धागा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसमें वार्निश करेंगे। वार्निश करने का फ़ायदा ये होता है, जो कॉइलें ढीली होती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, वार्निश डलने के बाद वो हार्ड हो जाती हैं, वो अपनी जगह से हिलती नहीं है। तो वार्निश डालने के बाद इसमें सेंसर लगाएंगे। सेंसर हमारे लग चुके हैं, इसको एलपी डाल के हम यहीं पे रोक देंगे। एलपी डालने के बाद 30-40 सेकंड हमें रुकना पड़ेगा ताकि एलपी अच्छी तरीके से सूख जाए। अब इसमें मैग्नेट लगाएंगे। मैग्नेट को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, क्योंकि मैग्नेट जो है बारीक से बारीक डस्ट को पकड़ लेता है। इसलिए जब भी मैग्नेट मोटर के अंदर लगाएं आप, तो उसको पहले एक बार साफ़ कर लें। इसका कट बिठा देता हूँ। कट बिठाने के बाद बैक कवर लगाएंगे इसका, और बैक कवर लगाने के बाद आपको इसको चला के भी दिखाएंगे। ये बैक कवर भी हमारा लग चुका है। अब इसके बोल्ट लगाने हैं। बोल्ट लगाते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बोल्ट लगाएंगे आमने सामने का लगाएंगे, उससे मोटर की फिटिंग बिल्कुल ओके आती है। ये हमारी मोटर तैयार हो चुकी है। अब हम कनेक्ट करेंगे इसको कंट्रोलर से। कंट्रोलर से कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाएंगे किस कितनी स्पीड से चल रही है। CY गोल्ड का कंट्रोलर है और गोल्ड की ही मोटर है। ये सेंसर सॉकेट भी कनेक्ट हो चुका है इसमें। और जैसा कि आप देख रहे हो, मोटर हमारी चल चुकी है। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी स्पीड पकड़ी है इसने मोटर ने। थोड़ी बहुत आवाज़ है, तो पुराने बैरिंग है इसलिए पुराने बैरिंग थोड़ी बहुत आवाज़ करते ही हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पीड वगैरह सब कुछ अच्छी आ चुकी है इसके अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे नई वीडियो आपको